लाइट ऑफ लॉ मेरे सारे उत्तर प्रदेश लेखपाल के साथ ही जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, और लगातार आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं कि सर लेखपाल के रिजल्ट को लेकर के भी प्लीज़ कुछ कीजिए। देखिए, इसमें आप साथी, बहुत सारे साथी जो हैं उन्होंने प्रदर्शन भी किया था, आंदोलन भी करने की कोशिश की थी, सत्याग्रह भी किया था CBSE बोर्ड के, सॉरी SSSE बोर्ड के सामने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और इस बीच में उनका जो रोड मैप बनाया उन्होंने, वो जो बनाया कि 6 महीने के अंदर ही भर्ती पूरी कर लेंगे हम, हालांकि उसके 4 महीने तो हो ही चुके हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ CBSE की गलती नहीं है, और चूंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, और ये जो है ऐसा मामला है जो मैं आपको बार बार बता चला, मैं आऊँगा कि रिजल्ट कब तक आने की कोशिश की जा रही है, कब तक आ सकता है, इसके बारे में बात करूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको कारण पता चले तो आपको सही तरीके से बीमारी समझ में आएगी और तभी आप दवा भी कर पाएंगे। देखिए, इसमें गलती सिर्फ CBSE की नहीं, UP SSSE की नहीं है, इसमें गलती बहुत सारे लोगों की है। एक तो उन लोगों की है जिनको पढ़ना लिखना कुछ नहीं है, बस लेके रोज केस फाइल कर देना है, रोज एक केस फाइल करिए, चंदा लगाइए, केस फाइल कीजिए। मैं इसके खिलाफ इसलिए हूं कि अगर आपके पास तथ्य है तो कीजिए, नहीं है तो केस क्यों करते हैं। और केस करने के बाद जो परिणाम आता है उसमें यही होता है कि रिजल्ट हमेशा से डिले होता आया है, तो ये एक बात है। हालांकि मार्च में ही इनको भर्ती कंप्लीट करनी थी, और ये पूरा क्लियर ऑर्डर था कि SSSE को कर ही लेना था, आयोग को कर लेना था भर्ती पूरी, लेकिन नहीं हो पाई। ये एक अलग ही कारण है, क्योंकि कोर्ट में आपको पता है कि देखिए, कोई और केस होता है ना, मैं आपको बार बार समझाता हूँ कि कोई और केस होता है, जैसे कि नॉर्मलाइजेशन का केस हो गया, या फिर मतलब करप्शन का केस हो गया, ऐसी चीज़ों में बोर्ड के हाथ में ही होता है कि वो डिफेंड कर पाता है। लेकिन जब क्वेश्चंस के ऊपर आ जाता है बात, तो उसमें अगर एक क्वेश्चन को भी कोर्ट ने ये मान लिया कि ये एक क्वेश्चन का आंसर जो है गलत दे दिया है बोर्ड ने और उसको काट दिया, तो पूरा रिजल्ट जो है रिव्यू होना ही पड़ता है और फिर से नया रिफ्रेश रिजल्ट लाना पड़ता है, क्योंकि एक क्वेश्चन का एक मार्क और एक मार्क से सब कुछ प्रभावित होता है। इसलिए जब तक ये क्वेश्चन वाला केस फाइनल नहीं होगा, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। हालांकि अर्जेंसी इधर से जा रही है, लेकिन उधर से कभी वकील नहीं आते हैं, कभी इधर से वकील आते हैं, उधर से नहीं आते हैं। इस बीच में लगातार नए नए केसेस डिस्पोज ऑफ भी कर रही है कोर्ट, क्योंकि लोगों का काम है फंसाना, तो इन सारी चीज़ों की वजह से आपका रिजल्ट डिले हो रहा है। हालांकि अब जो है थोड़ा प्रो, आप सबके जो प्रोटेस्ट थे शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के बाद, थोड़ा सा आयोग जो है हरकत में ज़्यादा आया है, और उसने अपनी डेट मांगी भी है फाइनल के लिए, और कोर्ट को अर्जेंसी भी लगा के दी है कि इसका फैसला जल्दी निस्तारण कर लिया जाए। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि अभी भी मार्च के लास्ट तक आपके रिजल्ट आने की संभावना है लेखपाल की, जैसे ही ये केस डिस्पोज ऑफ हो जाए या इसका फैसला आ जाए। क्योंकि एक बात याद रखें कि एक क्वेश्चन भी, और इसमें याची लाभ का मामला होता तो बोर्ड जो है आगे बढ़ जाती, लेकिन जिन्होंने केस किया है वो याची लाभ के ऊपर ना जा करके पूरे ब्रॉड एग्जाम को ही चैलेंज किया और क्वेश्चन पेपर को चैलेंज किया, तो मतलब इसका जो फैसला होगा वो हर बच्चे के ऊपर इंप्लीमेंट होता है। इसलिए जब तक इसका, आप इसको समझिए कि आयोग क्या कर लेगा, आयोग आज रिजल्ट निकालते और कल जो है ऑनरेबल हाईकोर्ट जो है वो ये फैसला दे दे कि ये एक सवाल जो है जिसका आंसर तुमने ए माना है उसका बी सत्य जाना पड़ता है और इसलिए बी को कंसीडर कीजिए, तो ऐसी स्थिति में रिजल्ट को फिर रोल करना पड़ेगा, रोल बैक करना पड़ेगा आयोग को, और फिर से नया रिजल्ट देना पड़ेगा, क्योंकि उस एक मार्क से किसी का सही होगा और किसी का गलत होगा। इसलिए इस मुकदमे का निस्तारण जब तक नहीं होगा तब तक के लिए रिजल्ट आना मुश्किल, और इसी को लेकर के अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम ये प्रयास कर सकते हैं जैसे कि बहुत सारे साथी कर रहे हैं, तो चलिए हम प्रयास करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस केस का निस्तारण करने में जो भी मदद हम अपने स्तर से कर सकें। एक उम्मीद करता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपका सहयोग अपेक्षित रहता है। हम अपनी तरफ से ये कोशिश कर सकते हैं कि केस का निस्तारण जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको करने का प्रयास करेंगे, और जो भी इसमें सक्षम जो भी लोग हैं जिनसे उनकी जो भी मदद करनी हो, या फिर आयोग की तरफ से या फिर इधर याचिका की तरफ से, जो भी होगा प्रयास करेंगे कि जल्दी इस केस का निस्तारण हो जाए। फिलहाल इस महीने आप धैर्य रखिए, हो सकता है कि इस महीने तक ही आ जाए, क्योंकि आना तो मार्च तक प्रक्रिया कंप्लीट होनी ही थी, लेकिन किसी कारण से नहीं हो पा रही है, यही कोर्ट केस मेन इसका कारण है। और बीच में कुछ नए केस भी आ गए थे जिसको लेकर के फिर उसमें भी इंस्ट्रक्शंस आ गए थे, हालांकि अब वो डिसमिस हो रहे हैं एक एक करके, तो जल्दी ही ये केस फाइनल होगा, तब तक के लिए आपको उम्मीद रखना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ मैं कहता चलो कि जो भी UPSI के सेलेक्टेड साथी हैं उनसे ये निवेदन जरूर करूंगा कि आप लोग जो हैं लेखपाल छोड़ दीजिए, आपका चयन हो चुका है, और आप सेफ गेम के लिए भी, आपको भी पता है कि आप जो है जाएंगे नहीं वहाँ पर, अल्टीमेट लेखपाल में नहीं जाएंगे, ट्रेनिंग पे रहेंगे, तो इसलिए इन साथियों के लिए, लेखपाल के साथी के लिए वो छोड़ दें तो बेहतर होगा, इसलिए उसमें भाग ना लें जिससे कि बाकी के साथी लेखपाल में जा पाए। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको आपकी जानकारी मिली होगी, मिलता हूँ, प्रणाम।